प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में नवनिर्मित आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आवासीय परिसर के निर्माण में श्रमदान करने वाले मजदूरों और कारीगरों से भी बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सिर्फ भवन का विस्तार नहीं बल्कि हर कार्यकर्ता के सपनों का विस्तार है। इस मौके पर पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा कि देश में भाजपा का विस्तार पार्टी के कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों का ही नतीजा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में पार्टी के 4 मुख्यमंत्री हैं और देश में बीजेपी के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। दो हजार 2018 में इसी भवन का लोकार्पण करते हुए मैंने कहा था कि कार्यालय हमारी कर्मभूमि है, लेकिन भारत की सीमा ही हमारे कार्यों की सीमा है। मुझे पूरा विश्वास है आप सब इसी तपस्या के साथ देश के सपनों को साकार करते रहेंगे। जो सपना हमने पहले देखा था उसे हम आज पूरा होता देख रहे हैं।